सिंध असेंबली का इजलास चंद्रकांत की मौजूदगी में जारी था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल की रुकन असेंबली मारवी राशिदी ने पहले सूबाई महकमा तालीम और फिर वजीर तालीम को आड़े हाथों लिया। मारवी राशिदी ने इजलास के दौरान वजीर तालीम के कंप्यूटर पर बॉलीवुड फिल्म देखने का जिक्र करके सबको हैरान कर दिया। जब एक प्राइवेट चैनल पर मैंने देखा तो यकीनन मेरा दिल रोने को कर रहा था सर, के एजुकेशन मिनिस्टर को दिखाया गया कि वो फराह खान की फिल्म अंदर हाउस के अंदर वो डांस की वीडियो देख रहे थे सर, क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है? ये सुनने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान चुप रह सके, न मजर भी ये सच बर्दाश्त कर सके। उन्होंने मारवी राशिदी को बच्चा करार दे दिया और तमीज का लेक्चर भी दे डाला। ऐसी असेंबली में आया हूँ जहाँ कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जिनको नहीं, वो मेंबर है सर, बच्चे नहीं है। नहीं, मैं अगर उनको बात करने की तमीज भी नहीं है। तनकीद सुनकर सूबाई वजीर तालीम काफी गुस्से में आ गए तो दोस्तों ने उन्हें समझाना बुझाना शुरू कर दिया और जाम मदद अली ने उन्हें सुधीर बनने की नाकाम कोशिश करार दिया। क्या आज हमारी मेंबर साहबा ने अगर वीडियो की किसी की बात कर दी तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाना कोई अच्छी चीज है क्या? खड़े हो जाना यूं बैठकर, भाई यहाँ पर सुधीर की फिल्म नहीं चल रही, को आप आके उसकी तरह मैदान में उठ जाओ, मैं नहीं छडांगा करके डंडा लेके आप मारने शुरू कर दो, ये नहीं होगा। सिंध असेंबली का इजलास कभी अरकान की गपशप और कभी वजीर आला के दोस्तों से मशवरों की वजह से इन दिनों सियासत के हलकों में काफी मौजूए बहस बना हुआ है, लेकिन अवाम पूछते हैं कि इनके मुंतखब नुमाइंदे जब ईवानों में बैठकर एक दूसरे से उलझते रहेंगे तो अवामी मसाइल कौन हल करेगा।